नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एम के नर्सिंग अकेडमी और आपके साथ मैं महेश कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स की, यानी कि ऐसे कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि कंसेप्शंस को प्रिवेंट करता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप कपल्स हैं या फिर आने वाले टाइम्स में आपकी शादी होने वाली है, तो आप जो मेथड्स की कंट्रासेप्टिव मेथड्स की तलाश कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड्स है इंजेक्टेबल्स कंट्रासेप्टेड की। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला इंजेक्शन्स है जिसको डिम्पा इंजेक्शन्स कहते हैं। डिम्पा इंजेक्शन्स का फुल फॉर्म होता है डिपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन्स एसेट। ये प्रोजेस्टोन्स हार्मोन्स होता है इसके अंतर्गत, और ये प्रोजेस्टोन हार्मोन्स ओविलेशंस को बिल्कुल रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। ये 1 ml का इंजेक्शन्स होता है, जैसा कि आप अपने इस फोटो में देख सकते हैं कि 1 ml का ये एम्पुल होता है, सॉरी वाइल होती है, 1 ml की वाइल होती है। और इसको इसमें इसकी डोज रहती है 150 mg की होती है, और इसको IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इसको देना होता है। सिर्फ एक बार आपको इंजेक्शन लगाना होता है, और आपको 3 महीने की और या 6 महीने की, आप जैसा भी आप चाहते हो, 3 महीने या 6 महीने, उस हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हो। तो ये पहला इंजेक्शन्स की बात कर ली अपन ने, अब दूसरा इंजेक्शन्स की बात कर लेते हैं अपन। ये दूसरा इंजेक्शन है जिसको नेट ईएनस भी कहते हैं। नॉट ईएन इंजेक्शंस भी बिल्कुल से डिम्पा इंजेक्शंस की तरह सेम्स होता है, लेकिन ये इंजेक्शंस आपको 2 महीने के लिए कंट्रासेप्टिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शंस आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ये डिम्पा इंजेक्शंस इस तरह से रहेगा, आपको ये फोटोज़ में देगा, इसके अंदर इंजेक्शंस रहता है। और ये भारत सरकार इसको अंतरा प्रोग्राम्स के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सब सेंटर हुआ विलेज लेवल्स पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुए, CSC हुई या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हुए, उन सभी में आपको ये इंजेक्शंस आसानी से मिल जाएगी, और आप वहाँ जाकर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको एक बार इंजेक्शन्स लेना होता है, और 3 महीने तक आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉट ईएनस है वो थोड़ा इतना बेटर नहीं है, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप डिम्पा इंजेक्शन्स लें। डिम्पा इंजेक्शन इस तरह से होता है, और आपको डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से हिलाना होता है, और फिर उसके बाद को सिरिंज में इसको लोड करना होता है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं, इन दोनों की क्या डोज रहती है। तो इंजेक्शनेबल शेड्यूल इस तरह से रहता है, डिम्पा इंजेक्शंस 3 मंथ के लिए होता है। 3 मंथ के लिए तब होता है जब इसकी डोज 150 mg रहती है। अगर इसकी डोज 150 mg है, तो 3 मंथ के लिए आपको कंट्रासेप्टिव प्रिवेंशंस कंसेप्शंस प्रिवेंट करवाएगा, और नॉट ईएन 2 महीने के लिए आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेस्ट्रुअल चेंजेस पर क्या इफेक्ट रहेगा इसका, तो मेस्ट्रुअल चेंजेस इसमें जो मासिक धर्म है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप डिम्पा इंजेक्शंस ले रहे हो, और अगर आप नेट ईएन ले रहे हो तो इसमें थोड़ा जो मेस्ट्रुअल चेंजेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है, तो इसमें डिम्पा इंजेक्शन आपको काफ़ी सस्ता होता है, और गवर्नमेंट में तो ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स पर इंजेक्शन लगवाना चाहते हो, तो डिम्पा इंजेक्शन काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और लेकिन वहीं पर आपको अगर नेट ईएन लगाओगे तो ये काफ़ी महंगा रहेगा। इसकी डोज की बात करते हैं अपन की, तो ये डिम्पा इंजेक्शंस है। डिम्पा इंजेक्शन की डोज रहती है वो उसके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रहती है। हमने बात कर ली कि जैसे 150 mg है, 3 महीने के लिए आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, और 300 mg अगर आप ले रहे हो तो 6 महीने के लिए आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। ये नेट ईएन 200 mg इसकी डोज रहती है, और 2 महीने के लिए रहती है। ये भी 1 ml का वाइल्स होती है, जिसको IM इंजेक्शन IM लगाया जाता है। इसकी फेलियर रेट की बात करें, तो फेलियर रेट इसमें बहुत ही कम फेलियर रेट होता है। डिम्पा इंजेक्शन्स की तो यहाँ पर 0.1 है, और नेट ईएनस की 0.4 है, लगभग इसकी कोई ज़्यादा ये नहीं है इसकी फेलियर रेट। तो अगर आप एग्ज़ाम्स के नज़रिए से देख रहे हो, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिम्पा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं।
और आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।